कोरोना वायरस की रोकथाम व बचाव को लेकर देशभर में किए गए लॉकडाउन के दौरान आमजन को सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाली अनुदान राशि का भुगतान लेने के लिए अब बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। भारतीय डाक विभाग ने अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए आमजन को उनके घर तक अनुदान राशि का भुगतान पहुँचाने की व्यवस्था की है, जिसका लाभ नागौर जिले में भी मिलेगा। इसको लेकर जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने बताया कि सरकार की ओर से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थी व्यक्तियों को अनुग्रह अनुदान और पेंशन राशि इत्यादि का उनके बैंक खातों में सीधे ही जमा हो रहा है। ऐसी राशि निम्नांकित योजनाओं के तहत लाभार्थी व्यक्ति को डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना, मनरेगा, एलपीजी गैस अनुदान, कोविड-19 के तहत राज्य तथा केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ऑनलाइन दिया जा रहा है। उक्त राशि प्राप्त करने के लाभार्थी व्यक्ति संबंधित बैंक में जाकर राशि आरहित कर रहे हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर लॉकडाउन की पालना में बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और भीड़ कम हो, इसके लिए डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए शाखा या डाकपाल पोस्टमैन लाभार्थियों को उनके घर तक अनुदान राशि का भुगतान पहुंचाएंगे। और धीरे धीरे चीजें व्यवस्थित भी होती हैं। स्टार्टिंग में तो थोड़ा कोई भी चीज नई शुरू होती है तो स्वाभाविक रूप से कुछ घटनाएं आती है, लेकिन अब धीरे धीरे व्यवस्थित होगी इस समय में और अब वो आगे अपने हिसाब से। हम लोगों ने जीरो मोबिलिटी जोन घोषित करते हुए, जिसको अपन सामान्य बोलचाल की भाषा में कर्फ्यू कहते हैं, वो लगाया जा चुका है कल से ही। और हमें पूर्ण उम्मीद है कि हम इसको अधिक स्प्रेड होने से रोकने के लिए जो किया जाना संभव है वो कर पाएंगे।